आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं ए एंड बी और दोनों को डिजाइन किया गया है सेम वोल्टेज के लिए। इसका मतलब दोनों बल्ब की वोल्टेज रेटिंग जो है मेरी सेम है और पावर रेटिंग समय दे रखी है एक पी ए और दूसरी वाली के लिए पी बी। और दोनों में रिलेशन ये है कि पावर रेटिंग जो ऑफ ए है वो ग्रेटर देन है पावर रेटिंग ऑफ बी के। तो जब मैंने उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, मतलब कौन कितना पावर लेगा और रेशियो ऑफ पावर वगैरह वगैरह, ये ऑप्शन से हमें पता चल रहा है। तो मैं पहले सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ बल्ब ए एंड बल्ब बी। मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दी और इसे एक वोल्टेज सोर्स से मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गई मेरी सर्किट। अब इसमें क्या है कि मैं मान लेता हूँ इस वाले की रेजिस्टेंस ए है और इस वाले के लिए रेजिस्टेंस बी है। हमें इस ऑप्शन से क्या पता चल रहा है कि रेशियो ऑफ पावर कितना ड्रॉ किया हमें ये निकालना है। तो बेसिकली हमें पावर ऑफ ए और पावर ऑफ बी यहाँ जो दिया हुआ है, इस पावर ऑफ ए और पावर ऑफ बी हमें कैलकुलेट करना है इस सीरीज में कितना होगा। ये जो पावर ऑफ ए पावर ऑफ बी दिया हुआ है ये एक्चुअली पावर रेटिंग्स है, दीज आर रेटिंग्स। और ये जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये कितना ये ड्रॉ किया ये है। मैं यहाँ एक्चुअली यहाँ डैश लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ ये चीज और ये चीज क्या है। ये पावर ड्रॉन है, मतलब जब मैंने इसे कनेक्ट किया तो कितना पावर ड्रॉन किया। और ये रेटेड पावर है। रेटेड पावर कब होता है, जब हम उसे रेटेड वोल्टेज देते हैं तो वो रेटेड पावर पर काम करता है। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैंने ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज दोनों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा, आर ए और आर बी के प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा जो पी ए डैश है ये इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं सर्किट में करंट आई मानता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा आई स्क्वायर आर ए और ये पावर ड्रॉन बाय बी। पी बी डैश हो जाएगा मेरा आई स्क्वायर आर बी। तो आई दोनों में सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में तो जो करंट यहाँ फ्लो करेगा वही करंट यहाँ भी फ्लो करेगा, तो ये दोनों सेम रहेगा। तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा रेजिस्टेंस ऑफ ए और रेजिस्टेंस ऑफ बी। अब देखिए रेटेड पावर की अब मैं बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस ऑफ ए हो जाएगा मेरा वी स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर और रेजिस्टेंस ऑफ बी हो जाएगा मेरा वी स्क्वायर अपॉन पी बी। तो सिंस हमें दे रखा है कि रेटेड पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेटेड पावर ऑफ बी, यानी इनवर्स रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए जो है वो लेस देन हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए जो है वो कम है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए जो कम है इसका मतलब पावर ड्रॉन बाय ए डैश इज लेस देन पावर ड्रॉन बाय बी। तो ये हो गया मेरा पावर ड्रॉन का रिलेशन। अब मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ। पहला ऑप्शन है ए विल ड्रॉ मोर पावर देन बी, नहीं। बी विल ड्रॉ मोर पावर देन ए, जी हाँ, यही मैंने कंक्लूड किया, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।